आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज और मैं आपका साथी कपिलेश शर्मा। जश्ने आजादी का 78वां महोत्सव बड़े धूमधाम से देश भर में मनाया गया। इसी कड़ी में बड़वानी जिले में भी आजादी के 78वें महोत्सव की धूम रही। जिले के मुख्य कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ सांसद गजेंद्र पटेल व राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, जिला कलेक्टर श्री डॉक्टर राहुल फटिंग और SP पुनीत गहलोत भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री परमार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सम्मिलित रहे, साथ ही मंत्री जी ने पुलिस परेड की सलामी ली। इधर बात करें सेंधवा की, तो सेंधवा में ऐतिहासिक किले की प्राचीर पर विधायक मोंटू सोलंकी द्वारा परंपरा अनुसार ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान तहसीलदार मनीष पांडे सहित विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी व स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। ध्वजारोहण होने के बाद विधायक मोंटू सोलंकी ने किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन दिया। मैं युवा होने के नाते इन सभी युवाओं से अपील करूंगा कि अच्छी पढ़ाई करें और हमारे देश को आगे बढ़ाने का अच्छा सा काम करें। हमारे विधानसभा में जो माहौल है इस आजादी के पर्व को लेके, ये हमेशा ऐसा ही बना रहे और आने वाले समय में हम पार्टी से बढ़कर, पार्टी से ज्यादा महत्व देकर हम देश की आजादी के लिए अच्छा सा काम करें, ऐसा मैं सभी से। अब इधर बात करें सेंधवा नगर पालिका की, तो सेंधवा नगर पालिका में भी आज़ादी का जश्न बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका कार्यालय पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बसंती बाई यादव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन जोशी व नगर पालिका के कर्मचारी पार्षदगण व अधिकारी गण मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य रूप से है, और हितग्राही मूलक जो योजना है प्रॉपर जनता को उसका हक मिल जाए हमारी प्राथमिकता। सर आपने कहा शिक्षा प्राथमिकता है, लेकिन पिछले एक साल से जो है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जो है यहाँ पर प्रभारी के रूप में बैठाए गए हैं और DPC का पद भी खाली है सर, तो उनको कब तक पर ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें तो पोस्टिंग प्रभार के रूप में ही सब दूर, अभी क्योंकि वो प्रमोशन पर रोक से प्रभारी करके ही सब दूर भेज रहे हैं सर, राजस्व के। लेकिन बड़ी बात ये है कि हम शिक्षकों की लगातार भर्ती कर रहे हैं, स्कूलों में भी किया है भर्ती, अभी और करेंगे और कॉलेजों में भी भर्ती का क्रम चल रहा है। पहली प्राथमिकता हमें 100% स्कूल और कॉलेजों तक शिक्षक पहुँचाने की है, क्योंकि वही एक बड़ा हमारा बेस तैयार होगा। उसके लिए अधिकारी स्तर पर प्रभारी जो जिस सिस्टम से बनेंगे उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रमोशन के पद है और प्रमोशन में प्रभारी के स्थान में भर रहा है। सर राजभक्तपुरा में 3 परिवार अभी भी टापू बने हुए इलाके में रहने को मजबूर है, उनकी सुनवाई अभी उनका अध्ययन कर।